रांची से बड़ी खबर है, जहां वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। बालू तस्करों के बीच विवाद के बाद अब अगजनी और बुरमू थाने के चापर बालू घाट की पूरी घटना बताई जा रही है। तो वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है और बालू तस्करों के बीच विवाद के बाद आगजनी की गई है। रांची से ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बुरमू थाने के चापर बालू घाट की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। रांची से ये जानकारी आपके सामने। बालू तस्करों के बीच विवाद के बाद आगजनी कर दी गई। तो बुरमू थाने के चापर बालू घाट की ये पूरी घटना है, जहां पर ये तस्वीरें देखने को मिली है। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। रांची से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बालू तस्करों के बीच विवाद के बाद आगजनी हो गई है। नैयर इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए नैयर, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है, आगजनी की गई है, क्या था आखिर पूरा मामला? देखिए मामला आधी रात का है, जहां बालू तस्करों के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है। हालांकि प्रथम दृष्टया पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लगा कि उग्रवादियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं लेवी को लेकर, क्योंकि बुरमू इलाका रांची से काफी दूर है, ग्रामीण इलाका में आता है और वहाँ उग्रवादियों का भी दबदबा है। तो प्रथम दृष्टया पुलिस को लगा, लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात की तब मालूम चला कि बालू तस्करों के द्वारा दो गुटों में इस तरह की लड़ाई हुई है, जिसके फलस्वरूप जो वहाँ जेसीबी और जो हैदरा जो रखी हुई थी बालू लोड करने वाली चीजें जो थी वो पूरी तरह से जला दी गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं बालू तस्करों के विवाद को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस के द्वारा यह बताया जा रहा है। बिल्कुल, और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? पुलिस ने मौके पर आकर गाड़ी को पहले हटाया है और जो जो उस इलाके में बालू की जो तस्करी करते हैं उनका नाम नोट किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन यहाँ बालू तस्कर है जो यहाँ से बालू उठाया करते हैं। अब पुलिस के द्वारा सभी बालू तस्करों को खोजबीन की जा रही है। बिल्कुल नहीं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।